हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजपूत बाइन में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपसे बताऊंगा फेसबुक पर मेंशन बैन क्या होता है, मेंशन बैन की टाइमिंग क्या है, मेंशन बैन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, मेंशन बैन होता क्या है। कुछ बंदों को तो मेंशन बैन के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है ना। तो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे आज की इस वीडियो में कि मेंशन बैन क्या होता है, ठीक है ना भाई। तो जो फ्रेंड्स सुनूंगे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे फ्रेंड्स एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से यहाँ पे आपका बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है भाई, ऑल पे क्लिक कर लेना। तो वीडियो में आपको एक कोड भी मिलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना भाई। तो एक कोड भी मिलेगा, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने फेसबुक पे। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट पे आ चुका हूँ, ठीक है ना भाई, आईडी आपको शो करती हुई। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं मेंशन बैन के बारे में, टाइमिंग सबसे पहले फर्स्ट बात कर लेते हैं मेंशन बैन की टाइमिंग। तो आप सभी को मेंशन बैन की टाइमिंग पता ही होगी, 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो है कि मेंशन बैन अपना होता है, ठीक है भाई। तो मेंशन बैन क्या होता है, चलिए मैं आपको एक अकाउंट को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप दिखाता हूँ कब को मेंशन बैन करना। आप देखो जस्ट नाउ फोटो आ रही है, ठीक है ना भाई। तो इसने क्या करा, अभी मेंशन करा, तो अभी तो मेंशन बैन नहीं है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आप देख लो 1.5K लाइक हैं। इस टाइप की फ़ोटो को अगर आप 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर मेंशन करते हो तो आपको जस्ट ना उड़ा दिया जाता है, याद रखना। फिर यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश का मतलब आप समझ लो, अगर आपकी फ़ोटो पे 200 के लगभग लाइक है, 200 के मतलब 200 या 300 कुछ, अगर आप वो फ़ोटो को दोबारा मेंशन करते हो 1:30 बजे के 3:30 के बीच में, 200 से 300 प्लस भी लाइक होने, तब भी आपको जश्न में उड़ा दिया गया। प्लस यहाँ पे क्या करते हैं कुछ बंदे, यहाँ पे पोस्ट को रीटैग करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट को मेंशन करते हैं कोई भी, किस तरीके में पोस्ट आपको उठा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है ना भाई। इस तरह की पोस्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना भाई, ये पोस्ट को ही मेंशन करते हैं बार बार रिप्लाई, मतलब उस पोस्ट पे 400-500 लाइक हैं, उस पोस्ट को भी मेंशन में मेंशन करते रहते हैं। तो ये भी बंदे जस्ट नाउ में उड़ाएंगे, क्योंकि इस बार मैं जस्ट नाउ मतलब एनी टाइम वॉचिंग मैं ही खुद करूँगा। पिछले सीजन में मतलब बंदों से करवाता था, इस बार मैं खुद से करूँगा, एनी टाइम मिलूँगा आपको और जस्ट नाउ उड़ाऊँगा, जस्ट नाउ, ठीक है ना भाई। तो मेंशन मैन में याद रखिएगा 1:30 बजे से 3:30 इस टाइप की, अगर आपकी फ़ोटो पे 1:30 बजे से के बीच 3:30 के बीच में आपको करना क्या है, ओनली फॉर सपोर्ट, याद रखिएगा सारे फ्रेंड्स। मेंशन बैन में अगर आपका 1 घंटा सपोर्ट नहीं देखता है, यहाँ पे जितनी फ्रेंड लिस्ट देख रहे हो आप, पर डे उड़ाऊंगा मैं, अनसपोर्टर पर डे उड़ाऊंगा, जितने भी यहाँ पे एक बार ऐड होकर जो बैठ जाते हैं ना, तो याद रखना दोस्त, अगर आपका 1 घंटा मेंशन बैन में, वन आवर अगर आपका मेंशन बैन में 1:30 बजे से 3:30 के बीच में आपकी आईडी से सपोर्ट नहीं देखता, तो आपको जस्ट ना उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो मेंशन बैन में मेंशन नहीं करना है, सबसे पहले मेन चीज़ आपको मैंने बता दिया कि मेंशन क्या होता है। यहाँ पे आप देख लो किसी भी तरह की आपको कोई भी पोस्ट उठा के देख लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप नेट स्लो है थोड़ा, तो इस टाइप की अगर आपकी फ़ोटो पे ऑलरेडी लाइक हैं बहुत सारे, 3K 5K मतलब 400 से 500 से फ़ोटो पे अगर लाइक है और आपको वो मेंशन बैन में मेंशन करते हो, तो आपको जश्न उड़ा दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ बंदे ओवर स्मार्ट और स्मार्ट, उनको मैं बोलता हूँ चूतिया, जो रीटैग करते हैं और रीटैग लेते हैं और रीटैग देते हैं, ये जो रीटैग वाले बंदे हैं ना, इनको चूतिया बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। तो भाई इनको मैं दिखाता ही करता हूँ क्या करते हैं ये बंदे, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे बंदे ये क्या करते हैं, मतलब मेंशन नहीं करते, ये जो फ़ोटो पे ना मेरा, एक सेकेंड, ठीक है ना भाई, जो आप नाम मेंशन देख रहे हो, तो नाम मेंशन नहीं करते, रीटैग मारते हैं, रीटैग मतलब ये सोचते हैं कि भैया को पता नहीं चलेगा, और अपने दोस्तों को भी रीटैग देते हैं। तो उन बंदों की एक ही जगह है, उनको मैं सिर्फ एक ही जगह पहुंचाता हूं, याद रखिएगा, रीटैग वालों के लिए। अगर आप मेंशन करोगे तो उड़ जाओगे फालतू में, एक बार उड़ोगे दोबारा ऐड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा अनफ्रेंड के बाद, क्योंकि जो बंदा ऐड नहीं हुआ अभी तक, मैं उसको चांस दूंगा तुम्हारी जगह। तो याद रखना, गलती से भी गलती मत करना, नहीं तो उड़ोगे। और जो रीटैग करते हैं ना भाई, उनकी एक ही जगह है, वो अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये है, देख रहे हो ना, ब्लॉकिंग, ये है ब्लॉक लिस्ट, रीटैग देने वाला प्लस लेने वाला, दोनों को इस जगह पहुंचा दिया जाता है, तो आप शांत और ठंडे हो जाओगे, ठीक है ना भाई। तो याद रखना, रीटैग देने और लेने वाले, क्योंकि इस बार हार्ड वॉचिंग होगी, पिछले सीजन की भूल जाओगे, पिछले सीजन भैया ने क्या करा था क्या नहीं करा था वो मैंने आपको सबको बता रखा है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। इस सीजन में कोई चांस नहीं, अनसपोर्टर नो चांस, मेंशन बैन में मेंशन करने वाले नो चांस, सब जितना भी कचरा होगा सब निकालता रहूँगा, पर डे कचरे निकालूंगा इसमें से, याद रखना। और सारे फैन सबसे पहले तो कोड चेंज कर लीजिएगा आपके न्यू HD फैमिली का, हमारी न्यू कोड है 2HourSupport, याद रखना 2HourSupport, ये आपका न्यू कोड है सपोर्ट, 2HourSupport। तो सारे फैंस कोड चेंज कर लीजिएगा, ओके भाई, फिर कोड चेकिंग भी होगी, 2HourSupport अपने बायो में अपडेट कर दीजिएगा,
ठीक है ना भाई। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा मेंशन मैन क्या होता है, कब करना है, मेंशन क्यों नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा 1.5 से 3.5 के बीच में ना तो मेंशन करना है ना रीटैग देना है। रीटैग लेने देने वाले ब्लॉक लिस्ट में मेंशन करने वाले जस्ट 9 में उड़ेंगे, नहीं तो 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर में उड़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। और सबके वो दिखाने का नहीं है कि भाई के मैंने तुम्हें किस गलती से अनफ्रेंड करा है, ठीक है ना भाई। याद रखना 1.5 से 3.5 एक घंटा पहले तो आपका सपोर्ट दिखना चाहिए टाइमलाइन पे, प्लस मेंशन मैन, प्लस यहाँ पे आप मेंशन मैन में क्या करते हो, मेंशन मैन का मतलब है भाई आप रीटैग, आप अपने दोस्तों को टैग दे सकते हो जिनके बारे में HD फैमिली लिखा हो, और उनसे टैग देने के बाद उनसे 5 मिनट टाइमलाइन पर सपोर्ट भी करवाना है। ऐसा नहीं है कि टैग दिए और निकल लिए, समझे। 5 मिनट टाइमलाइन पर सपोर्ट दिखना चाहिए, अपने फ्रेंड से 5 मिनट सपोर्ट करवाओ, प्लस उसके बारे में HD फैमिली होना चाहिए, तभी आप उसको टैग दोगे, नहीं तो आपको भी उड़ा दिया जाएगा, छोटी सी गलती से आपको उड़ा दिया जाएगा, समझ गए ना भाई। तो सोच समझ के और ध्यान से, ठीक है ना भाई। सो गाइस यहाँ पे मेंशन मैन कब स्टार्ट होने वाला है, मेंशन मैन 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो रेडी रहिए और बी केयरफुल भाई, अपनी जगह बता दे रहा हूँ आपको, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, अगर तुम एक बार यहाँ से गए ना तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, याद रखना अनफ्रेंड होने के बाद अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली तो आप ऐसी गलती मत करना, मेंशन मैन मेंशन मत करना, रीटैग मत देना, क्योंकि तुम अपनी जगह किसी और को दे के चले जाओगे, खुद उड़ोगे, दूसरे को वो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तो याद रखना अच्छे से समझोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सबके पास पहुँचा देना, भैया समझ जाए कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, तब तक के लिए टेक केयर, भगवान करे आपका दिन शुभ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।